घर की छत पे घूमने के बाद और थोड़ा शोर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। आ जाओ। बताना चाहिए ना, मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर पे काम करते ना से ड्रिलिंग मशीन डग 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 डग। एक्चुअली बात यह है कि मेरे घर के आसपास एक दिन भी कोई ऐसा नहीं जाता जिस दिन ऐसे मेरे को आवाज़ें ना आ रही हो। वो इसलिए क्योंकि मैं कहीं पर भी सर घुमा के देख लूँगा, यहाँ पे हर जगह घर बन रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, लोग तरक्की कर रहे हैं। आवाज सुन रहे हो? आ रही हो तो डक 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 घूम रोज का है। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि मुझे एक दिन भी ऐसा चैन नहीं मिलता कि मैं घर पे बैठ के कोई एक दिन ऐसे याद है कि जिस दिन कंप्लीट शांति हो मेरे मोहल्ले में कि हाँ भाई आज घर पे कोई आवाज़ नहीं आएगी। कई दिन से ये भी नोटिस में आ रहा है कि भाई यहाँ मेरे को भी जैसे अभी भी मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, डीजे बज रहा है, भाई शादी शुदी के गाने बज रहे हैं, लोगों के घर में कार्ड आना शुरू हो गए हैं, फेस्टिव सीजन भी शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल से शादियों का भी, अपने देश में शादियाँ तो रुकती नहीं वैसे भी, और अभी कुछ टाइम के लिए रुकी थी तो भैया अब तो होंगी धड़ाधड़। ठीक है, अब कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा कि इंडिया का जो पीक है अभी कोविड का वो थोड़ा जा चुका है अभी, और रेट भी ठीक हो गया है, रिकवरी रेट सही हो गए हैं। मतलब ऐसा सुना है, पता नहीं कितनी सही बातें हैं कितनी नहीं है, बट आई होप यही हो सही। लोग क्योंकि अब काफ़ी गैदरिंग वैदरिंग हो रही है, अब लोगों ने भी ऐसा सोच लिया कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ पे एक नई रोड बन रही है, मतलब रोड तो पुरानी है, काम चल रहा है, टूटे फूटे चल रही है। मैं देख रहा हूँ भाई हर जगह ही काम चल रहा है, यहाँ पे आसपास देहरादून में हर जगह टूटा फूटी चल रही है, घर बन रहे हैं, रोड बन रही है और बनी रहे, कंप्लीट कहीं नहीं हो रहा, इतने टाइम से बनी रहा है भाई, बनी रहा है, पता नहीं कितना बनेगा। इजी डे आया हूँ, कुछ काम था, कुछ एक दो सामान लेना है तो ऐसे ही पास में इधर ही आ रखा हूँ। तो अभी कितनी शांति हो रही है यहाँ पे, कोई नहीं, मेरे अलावा कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे, सामान की रेक्स भी खाली हो रखी है, कुछ भी नहीं है भाई, ये भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, मैक्सिमम रैक्स तो खाली हो रखी हैं, कुछ है ही नहीं सामान, थोड़ा बहुत सामान है जो फिर मेरे को लेना ही नहीं है, सब क्या करूँ, खाली हाथ जाना पड़ेगा लग रहा है। सोच रहा हूँ कुछ खाने का ही ले लेता हूँ, एक तो सामान खा तो लूँगा। कितने अभी जितने तेजी से अंदर गया था उतनी तेजी से बाहर भी आया, कुछ है ही नहीं, खाली के पड़ा पूरा ये गिड है। धोखा तो ये हुआ कि मैंने एक केक उठाया था ब्रिटानिया वाला, 30 रुपये का था वो, ऑनलाइन पेमेंट हुई नहीं और कैश मेरे पास 500 पड़ा है, तो वो भी मेरे को छोड़ के आना पड़ा। शिट यार,